रानीगंज के आमरासोता ग्राम से लापता हुई नाबालिग किशोरी मिली दुर्गापुर रेलवे स्टेशन इलाके से। रानीगंज पुलिस की तत्परता से किशोरी सकुशल घर वापस आई। इस घटना को लेकर रानीगंज पुलिस अन्य पहलुओं की भी कर रही है छानबीन। लापता किशोरी की घर वापसी की मांग पर गुरुवार सुबह आमरासोता ग्राम के बासिंदों ने पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी का घेराव कर प्रदर्शन भी किया था। रानीगंज के पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के आमरासोता इलाके से रहस्यमय ढंग से लापता 15 वर्षीय किशोरी को आखिरकार सकुशल बरामद कर लिया गया। दुर्गापुर रेलवे स्टेशन इलाके से गुरुवार को किशोरी को बरामद किया गया। किशोरी को उस इलाके में घूमते हुए देखकर दो फेरी वालों को शक हुआ और उन्होंने जब किशोरी से पूछताछ की तो पूरी घटना के बारे में पता चला। इसके बाद रानीगंज थाने के साथ संपर्क किया गया। पुलिस तुरंत दुर्गापुर रवाना हुई और किशोरी को अपने साथ लेकर रानीगंज पहुंची। गुरुवार दोपहर किशोरी को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। किशोरी के घर वापस लौटने से परिजनों में खुशी की लहर देखी गई। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। अब यहाँ सवाल ये है कि किशोरी दुर्गापुर कैसे पहुंची? शुरुआती तौर पर आशंका जताई जा रही है कि जिन दो लोगों को हिरासत में लिया गया है उन्होंने साजिश के तहत किशोरी को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया था। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार बुधवार की रात लगभग 8:30 बजे किशोरी रहस्यमय ढंग से लापता हो गई। परिजनों ने किशोरी का अपहरण करने का आरोप लगाया था और बक्ता नगर में रहने वाले एक व्यक्ति पर किशोरी को बाइक पर बैठाकर अगवा करने के आरोप लगे थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। इस बीच गुरुवार सुबह किशोरी को सकुशल बरामद करने की मांग पर उसके परिजनों एवं स्थानीय लोगों द्वारा पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी का घेराव किया गया और रानीगंज सिउड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 60 पर अवरोध किया गया। रानीगंज थाने के आईसी सुदीप दास गुप्ता के आश्वासन के बाद अवरोध हटाया गया। इसके बाद पुलिस ने सरगर्मी से किशोरी की तलाश शुरू की और उसकी तस्वीर को तमाम जगहों पर भेजा गया। रानीगंज के रोनाई मजार शरीफ में चल रहे पीर बाबा के मेले में भी किशोरी की काफी खोजबीन की गई। मेला कमेटी के सदस्यों के पास भी किशोरी की तस्वीर भेजी गई थी। रानीगंज से रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। सर्वप्रथम पब्लिक टाइम्स के बारे में छोटा सा वक्तव्य रखें। हम लोगों ने बहुत तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन आप लोगों के निरंतर सहयोग, स्नेह, प्रेम, प्यार एवं उत्साह। पब्लिक टाइम्स जे संस्था जे इन से तरह उन्होंने धन्यवाद ज्ञापन करे समस्त जो कर्म से बहिर्भू आकार धारण करूँ हमें स्वामी विवेकानंद प्रार्थना कर। न्यूज के जो मापदंड होते हैं उस पर खरा उतरते हुए इसी तरह आप काम करते रहे, क्योंकि वर्तमान समय में चाहे वो प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, इंडिपेंडेंटली काम करना बहुत कठिन हो गया है। आधुनिक काल के बाद पोस्ट मॉडर्न, जिसमें स्वार्थ और इंडिविजुअलिज्म व्यक्ति प्रमुख हो गया है, समाज, परिवार, राज्य और राष्ट्र कहीं पीछे जा रहा है। ऐसे समय में पब्लिक टाइम्स के द्वारा समाज सेवी का सम्मान करना निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। কালীগঞ্জের যে কালচার ঐতিহ্য সেটাকে একদিকে ধরে রাখা, আরেকটা হচ্ছে যে পাবলিক টাইমস কিভাবে এগিয়ে যাচ্ছে সেটাকে পাবলিকলি হাইলাইট করা, এই দুটোকে একসাথে কম্বাইন করে আজকের এই অনুষ্ঠান। পাবলিক টাইমস আপনাদের সহযোগিতা, আপনাদের আশীর্বাদ নিয়ে, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস প্রচেষ্টা দিয়ে হচ্ছে পাবলিক টাইমস এগিয়ে চলুন। পাবলিক টাইমস উত্তরোত্তর পাবলিক টাইমস এর শ্রীবৃদ্ধি, উত্তরোত্তর হচ্ছে যে বহির্ভূ আকার ধারণ করুক। এই সংবাদপত্র প্রিন্ট মিডিয়া বা ইলেকট্রনিক মিডিয়া মানুষ খুব ছপা কথাকে বিশ্বাস করে, মানুষ খুব চোখের সামনে যে দেখে সেটাকে বিশ্বাস করে।
তো যারা এই কাজটা করে তাদের কিন্তু অনেক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই কাজটা করতে হয়। পাবলিক টাইমসে প্রায় 3.5 থেকে 4 লক্ষ দর্শক আছে, অডিয়েন্স আছে এখানকার এই সারাউন্ডিং এরিয়ায়। আমি পাবলিক টাইমসে নিউজ সমস্তভাবে দেখেছি এবং দেখে একটা জায়গায় উপনীত হয়েছি, সিদ্ধান্ত এসেছি যে না, পাবলিক টাইমসে তারা চেষ্টা করে সঠিক খবরটাকে প্রকাশ করে দেওয়া। জয়সওয়ালকে পাবলিক টাইমসে যিনি বর্ণধার তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। তারা রানীগঞ্জের মানুষের কাছে, রানীগঞ্জের হৃদয়ে তারা নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে। সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষকে সম্মানিত করা এবং তাদের সঙ্গে নিত্য যোগাযোগ না থাকলে এত সুন্দর মানব অনুষ্ঠান করা যায়। Public Times, let me tell you, it is my news channel when I travel every day from Durgapur to Raniganj. Vinod ji, I thank you very much. He sends me the news and through the YouTube also, and that is my pastime for 20 minutes. I hear to that channel when I travel from Durgapur to Raniganj. It's a wonderful.